अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम मेहमान। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मसाइल पर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। मुल्की सतह के जितने भी मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, सियासी नौयत के मामला हों या दीगर मसाइल हों, उसके ऊपर कोशिश करते हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। गुज़श्ता दिनों कुछ बात हो रही थी खेल के हवाले से, बहुत सारे पैगाम देखने वालों ने भेजे और वो ये चाहते हैं कि ज़रा मुख्तलिफ मामला पर बात की जाए, क्योंकि सियासत से और ये जो जितने भी मामला हैं इससे इतना ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि वो चाहते हैं कि इससे हट के कोई बात की जाए। तो जनाब उसके लिए भी कुछ कहने के लिए ज़्यादा अच्छी बातें नहीं हैं। वो क्रिकेट के हवाले से जो हमने एक सिलसिला शुरू किया प्रोग्राम में, थोड़ी सी बात इस हवाले से हुई, जो थोड़े बहुत लोग अब बचे हैं जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, तो वे चाहते हैं कि इसके हवाले से भी बात की जाए। यकीनन जी मौका मिलेगा, आगे चल के ज़रूर इसके ऊपर भी बात करेंगे और बड़ी अच्छी फ़ीडबैक मौसूल हुई है। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम देखने वालों का, चाहने वालों का, उन्होंने बहुत सारे पैगाम भेजे। जनाब बात बड़ी सख्त हम करते हैं, सीधी बात करते हैं और सच्ची बात करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को नागवार भी गुजरती है। अब वो क्रिकेट के हवाले से अब क्या कहें, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल रखी है तो जो कुछ देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वो जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता रोज़, इसके ऊपर रात को भी एक मैसेज मौसूल हुआ कि ज़रा तफसीलन इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम किया जाए, तो ये वादा आपसे रहा कि इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर एशिया कप के दौरान जब बात होगी तफसीलन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। जनाब थोड़ा सा और दीगर मामलों की तरफ बात कर लें। शहर कराची के हवाले से बात हो ही रही है, पिछले कई प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू हुई है। जो मसाइल हैं साल हर साल इसके ऊपर बात होती आई है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से गुफ्तगू हुई है, जो सियासी कशमकश इस वक्त जारी है, खींचातानी की सियासत हो रही है, इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, और ये भी कोई नई बात नहीं है। गो कि इसमें थोड़ी सी तेज़ी इस वक्त आ गई है, सोशल मीडिया की मरहूम मिन्नत, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े भोंडे तरीके से किया जा रहा है। कहने दीजिए लफ्ज़ कुछ ज़्यादा कानों को अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है। बहरहाल अब ये जो इंतखाबी मरहला एक शुरू हुआ ज़िमनी इंतखाबात का, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। कराची शहर के अंदर गुज़िश्ता रोज़ पता नहीं कहीं पर एक इंतखाब हुआ है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में 245 में, तो नतीजा उसका आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो चुके हैं। माजी में भी ये सीट जब इससे पहले जब इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात, उसमें PTI के ही नुमाइंदा उम्मीदवार थे, दुनिया में अब नहीं रहे। उनकी नशस्त खाली हो जाने के बाद यहाँ पर इंतखाब हुआ, तो उस वक्त मैं देख रहा था कुछ स्टेटिस्टिक्स 54,000 के करीब कुछ वोट मरहूम के थे, और इस वक्त जो उम्मीदवार उनका जीता है तकरीबन 29,000 के करीब उनके वोट बनते हैं। टर्नआउट के हवाले से हमारे यहाँ कभी बात होती नहीं है, कितने लोगों ने वोट डाला है, कितने उन्हें नहीं डाला। 10% के करीब को टर्नआउट बनता है या 11.5% कुछ, इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो लोगों ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया है। अब उसमें जो दीगर उम्मीदवार हैं, किसी के पास 7,000 MQM के मुईद अनवर जो उम्मीदवार है, तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब रात तक जो है वो गिनती दिखा रही थी, इतने वोट उनको मिले। इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं इस तरह उनके पास, किसी के पास 4,000, 3,000, 2,000 ऐसे कुछ वोट मिले। तो ये कौमी असम्बली का हल्का है और जिसका इंतखाब हो रहा था, तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा फिर ये कि अब मीडिया की वजह से हमारे पे जिम्मेदारी एक होती है कि जाते हैं वहाँ पे मालूम करते हैं लोग क्या ख्यालात हैं, वो कितना अपने उम्मीदवार को जानते हैं। तो जो हमारा तजर्बा रहा, जो हमने हमारे मुशाहिदे में जो चीज़ आई, बहुत सारे लोगों से जब बात हुई तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी लोगों की जो अपने उम्मीदवार जिसको वोट देने जा रहे हैं उसको जानते नहीं थे, और वो क्योंकि वहाँ रहते भी नहीं हैं इस वजह से लोग उनको नहीं पहचानते। और फिर दूसरा ये कि जो बड़ी तादाद उसमें सामने आई, उसमें लोग वो थे जो थोड़े बहुत वोट डालने आए, वो हुकूमत से नाला थे उनकी कारकर्दगी से। ख़ास तौर पे इस वक्त जो महंगाई का मामला है, तो बहुत सारे लोगों से फर्दन जब गुफ्तगू की तो ज़्यादातर की राय ये थी कि क़तई नज़र इसके कि कोई भी जमात इस वक्त हो जो हुकूमत के इस वक्त मौजूदा सेटअप है PDM का, उसके अगेंस्ट जो भी खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे। तो ये लोगों की अक्सरियत, ये राय जो थी वो सामने आ रही थी, और फिर इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। तो बहरहाल ये हुआ है जो गुज़िश्ता रोज़ इंतखाब हुआ उसमें, और आगे के लिए जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर। इस वक्त मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सैयद अमान अली शाह, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी अमान अली शाह साहब। शाह साहब ये फरमाइए कि अब जो गुज़िश्ता रोज़ जैसे अभी मैंने एक बड़ी लंबी तमहीन बांधी है, इंतखाब हुआ, बड़े सारे उसमें उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ अव्वल दर्जे पे, दूसरे पे MQM, फिर इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बिलतरतीब फिर दीगर जमातें। इसमें जो आपके उम्मीदवार थे वो कोई वाज़ेह पोजीशन जो वो नहीं ले सके। उसमें आज़ाद उम्मीदवार भी एक खड़े हुए, डॉक्टर फारूक सत्तार, एक जाना पहचाना कराची का नाम है, तो वो भी काफ़ी नीचे उनकी पोजीशन रही है। तो PSP कहाँ खड़ी है? और बार बार ये सवाल होता रहा है कि आपके, अगर आप दावा करते हैं कि आप बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मुखलिस हैं, ईमानदार हैं, तो वो वोट्स के ज़रिए क्यों चीज़ सामने नहीं आ रही? फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इज़्ज़त बख्शी, आमदू किया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि PSP कहाँ खड़ी है, सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि कराची की आवाम कहाँ खड़ी है। इन बारिशों में जो लोग मरे, जो लोग डूबे, आप सड़कों का हाल देख ले, आप नालियों का हाल देख ले, लोगों के घरों में छत छत तक पानी चला गया, लोगों के पास खाने को एक वक्त की रोटी नहीं है, लोगों के पास सुई गैस नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने इतनी बड़ी बदमाशी कराची में स्टार्ट की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर जो भी पार्टी इस इलेक्शन में विन की है PTI ने, तो आप वोटिंग का रेशो उठाकर देख लें कि 10% भी उनको वोट नहीं पड़ा। जो ये 90% लोग हैं, कल को अगर कोई अच्छी कारकर्दगी शहर में दिखाता है तो ये 90% लोग उसी शख्स को वोट देंगे जिसका किरदार होगा, जो आवाम के मसाइल को हल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि PTI ने जो सीट जीती है, पहले से उन्होंने लोगों को बताया कि हम इस सीट के ऊपर असम्बली नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस सीट से हम इस्तिस्ना इख्तियार करेंगे, इस सीट से हम दोबारा असम्बली, इस सीट के ऊपर हम नहीं जाएंगे, इस्तीफा देंगे। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि लोग आपको अपने मसाइल के हल के लिए वोट दें और आप वोट लेने के बाद इस्तीफा दे दें, और लोगों ने जो मेहनत की, जो मशक्कत की, जो आकर आपके ऊपर एतमाद किया, आपको वोट दिया, उसका क्या फायदा? देखें, आज कराची का मसला ये नहीं है कि आप इलेक्शन कराएं, कराची का तो ये मसला है कि कराची को पीने का साफ पानी दिया जाए, कराची के रहने वालों को बिजली दी जाए। जो कराची इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से पहचाना जाता था, जो कराची कारोबारी मराकज में शुमार किया जाता था, पूरी दुनिया पे आज कराची से लोगों ने इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट कर दी है। आज कराची से कारोबारी लोगों का एतमाद उड़ गया है, वो कराची छोड़कर और जगहों जा रहे, और इलाकों में जा रहे, लाहौर शिफ्ट हो रहे। जो मैं ज्यादातर देख रहा हूँ, लोग लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कारोबारी दोस्त जो पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश और दीगर ममालिक में अपनी इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़े अफसोस की बात है। इससे सबसे बड़ा असर मजदूर तबके पर पड़ता है, क्योंकि इस इंडस्ट्रियों में, इन कारखानों में काम करने वाले हमारे गरीब भाई होते हैं, जिनकी दो वक्त की रोटी इन कारखानों की वजह से, इन फैक्ट्रियों की वजह से चलती है। ठीक है, अब जरा चाय पीते पीते ये जवाब दें कि ये जो सारी सूरत हाल जिसका आपने तस्करा किया, इससे बखूबी लोग आगाह हैं, समझते हैं, वो एतमाद कब आएगा लोगों का कि वो समझेंगे कि ये मुखलिस लोग हैं, इन्हें वोट देने की ज़रूरत है? इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, जैसे मैंने अभी तस्करा किया, जब हम माइक लेके जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आसपास के लोगों से जो वहाँ रहने वाले हल्के के, तो बड़ी तादाद में हुकूमत की कारकर्दगी से नाला नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके अगेंस्ट जो भी जाएगा उसको वोट दिया जाएगा, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। अब बहरहाल कामयाब एक जमात हुई है। मेरा सवाल फिर वही है, लोगों का एतमाद जीतना ज़रूरी है। क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि उनके हक के लिए कौन खड़ा होगा? जैसे भी आपने तस्करा किया कि एक उम्मीदवार जैसे ही नशिस्त अपनी जीता है, पहले से ही उसके साथियों ने ऐलान कर दिया कि जनाब हम इसके ऊपर इस्तीफा देंगे। अब ये अगर मजाक होता रहेगा जमहूरियत के साथ, और ये जो आपको लिबर्टी मिली है उसका आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि अभी तो ये थोड़ा एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिन्होंने वोट डाल भी दिया। इसका मतलब है आगे फिर जितनी भी जमाते हैं वो सारी खाली हाथ रह जाएंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? फरमाएं। जी, सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में गेमा गेमी बनी हुई है, ईवान में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। लेकिन हम बहैसियत कौम कब जागेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है क्या हम सारी जिंदगी इन सियासी पार्टियों के ऊपर इन्हिसार करेंगे कि हमारे बच्चों के हुकूक ये हमें लाकर देंगे? कौन सा डूब गया, न ये कौम जागी न हुक्मरान जागे। पूरा बलोचिस्तान डूब गया, न ये कौम जागी न हुक्मरान जागे। पूरा सिंध डूब गया, लोगों के छोटे छोटे बच्चे सैलाबी रेलों में घूम गए, उनकी लाशें भी अभी तक नहीं मिली। और हमारे कौम के हुक्मरान 14 अगस्त के दिन मुजरा एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है कि हम बहैसियत कौम हमने ऐसे लोगों को चुना अपने ऊपर जिनको हमारे दुख दर्द का पता ही नहीं है। आज 75 साल पूरा होने के बाद पाकिस्तान की आज़ादी के मुझे आटे के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, मुझे पानी लेने के लिए टैंकर मंगाना पड़ता है। जो पानी मुझे लाइन में मिलना चाहिए था, आज मेरे शहर के हुक्मरानों ने, मेरे मुल्क के हुक्मरानों ने वो मुझे टैंकर में देना गवारा समझा। आज अरबों रुपए का पानी कराची में फरोख्त किया जाता है। सियासी पार्टियां आवाम की खिदमत के लिए होती है, लेकिन जब आवाम इनको वोट देती है, यही सियासी पार्टियां खरीदो फरोख्त करती है, इसम्बली में अपने अरकान की बोलियां लगाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस हालात में आवाम किसके ऊपर इतमाद करे? तो आवाम ये करे कि आवाम माजी उठा कर देखें। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप किसी शख्स के साथ लेन देन करना चाहें, उसके ऊपर कोई आप कोई जिम्मेदारी डालना चाहे तो आप उसका माजी देखें कि इस शख्स का माजी क्या है। तो मुस्तफ़ा कमाल का माजी ये है कि उसने 300 अरब रुपए शहर कराची के ऊपर खर्च किया और एक बंदा नहीं जो उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा सके। लोग रातों को घरों में सोते थे और मुस्तफ़ा कमाल गली और चौराहों मोहल्लों में तरक्याती काम करता। आज जो कराची में आपको पुल अंडर पासिस नज़र आते हैं, आज जो आपको कराची में कोई भी अच्छी जगह नज़र आती है कि आप समझते हैं कि वाकई कोई अच्छा काम हुआ है, तो उसके ऊपर आपको मुस्तफ़ा कमाल के नाम की तख्ती ज़रूर नज़र आएगी। अब ये बताइए कि ये बात तो सारी दुरुस्त है आपने जिसका अभी इजहार किया है, इससे सारे ही मुत्तफिक हैं जो शहर कराची में रहते हैं। उन्होंने अपनी आँखों से तमाम हालात को देखा है, शहर को बनते भी देखा है जो बहुत थोड़े अरसे के लिए हुआ, और उसके अलावा बिगड़ते भी देखा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी मेरा सवाल फिर वो यही कि लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझ रहे तो फिर ऐसे सियासी शऊर का क्या फ़ायदा? क्योंकि मैं तो अभी तक इस बात को मानने के लिए, मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं इसके ऊपर गलत हूँ, कि कोई सियासी शऊर नाम की चीज़ अभी भी लोगों में नहीं पाई जाती। तो क्या करने की ज़रूरत है? पहले समझते हैं कि सियासी शऊर उजागर किया जाए, लोगों को गली गली जाकर, घर जाकर ये बात समझाई जाए, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है और उस पर काम क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो वोट होता है चाहे किसी भी शक्ल में पड़े, उससे ये पता चलता है कि आपकी आवाम में मकबूलियत कितनी है। अगर वहाँ के लोग, क्योंकि ये जो हल्का है वहाँ पे खासे तरक्याती काम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किसी दौर में करवाए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग वोट नहीं दे रहे तो उसकी क्या वजह है? कभी इसके ऊपर बैठ के गौर करेंगे? जी, अगर लोग वोट नहीं देते तो ये लोगों का मसला है। देखें, इस शहर में रहने वाले लोगों को अगर पानी चाहिए, अगर उनको बिजली चाहिए, उनको कारोबार के मौके चाहिए, तो उनको ये कदम उठाना पड़ेगा। हाँ। उनको मुस्तफ़ा कमाल जैसे बेहतरीन डॉक्टर को इस शहर की बीमारियों के लिए चुनना पड़ेगा। अगर लोग इसमें कामयाब नहीं होते तो ये लोगों की नाकामी है। देखिए, अगर हमें वोट नहीं मिल रहा तो इसमें हमारी कोई नाकामी नहीं है। हम लोगों के पास घर घर जा रहे हैं, उनको सियासी शऊर दे रहे, उनको बता रहे हैं कि अच्छी तकरीरों से गरीब के पेट में रोटी नहीं जाएगी, अच्छी तकरीर करने से मेरे गरीब भाई का मसला हल नहीं होगा। उसका बाप बीमार पड़ा है चारपाई के ऊपर, अच्छी तकरीर करने से उसके बाप को सेहत नहीं मिलेगी। सेहत उसको मेरे शहर के सरकारी हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज मिलने से मिलेगी। मेरे गरीब भाई को पेट में खाना तब जाएगा जो उस शहर में रहेगा, उसको बाइज्जत रोजगार मिलेगा। लोगों से जिंदगी के जीने का हक छीन लिया गया है मेरे भाई। लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। कल रात एक फैमिली ने मुझसे राब्ता किया, कहे कि हमारा अंदरून सिंध के अंदर पूरा गांव बह गया, मेरी माए बहने बह गई। वो उन्होंने दरखास्त किया कि हमें यहाँ पर रहने के लिए 1 महीने के लिए जगह दी जाए। आप खुद सोचें कि ये एक फैमिली थी, 12 अफराद थे इसके, कितनी फैमिलियां मुतासिर हुई सिंध और बलूचिस्तान में, किसने हमारे लोगों ने, हमारी किस सियासी पार्टी ने जाकर उन लोगों की मदद की, उनके साथ इस दुख और दर्द की घड़ी में खड़े हुए। तो अच्छी तकरीर कर देते, मेरे मुल्क के, मेरे शहर के मसाइल कभी नहीं हल होते। ठीक है जी, इनका कहना यह है कि अच्छी तकरीर करने से या बातों से सिर्फ महज लोगों के मसाइल हल नहीं होते। अब ज़रा बात कर ली जाए जो जमात है जिसने वाज़े अक्सरियत हासिल की है, और जैसे प्रोग्राम के इब्तदाइया में मैंने तस्करा किया कि इसको क्या समझा जाए कि इस वक्त हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं, उसके मुखालफत में या ये जो जिस तरह मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हल करने में उन्होंने और मीशत का जो है वो सत्यानाश किया है, उसके नतीजे में लोगों ने वोट दिया, या वाक़ता ऐसा है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सरबुलंद खान साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब सरबुलंद खान साहब, पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी अक्सरियत को और अवाम मकबूलियत को बज़रिया वोट साबित कर दिया। तो ये तो एक बैरोमीटर है कि जो भी जमात जीतेगी और वोट के जरिए जीतेगी वो अवाम में मकबूल जमात होगी। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि गुफ्तगू कुछ देर पहले ये हो रही थी कि जैसे ही कामयाबी मिली है महमूद मौलवी साहब को, फ़ौरन से ये ऐलान होता है जनाब ये इस्तीफ़े की तरफ जाएंगे। तो आपसे सवाल सिर्फ ये है कि अगर यही रविश रही कि कामयाब होते रहेंगे और इस्तीफ़े देते रहेंगे, तो एक आम आदमी जो ये सोचता है, समझता है कि हम अपना जो नुमाइंदा है उसको मुंतखब करके पार्लियामान में भेजेंगे और हमारी आवाज़ बनेगा, अगर वो पार्लियामान में जाने से पहले ही इस्तीफ़े को अगर अपनाएगा तो फिर कैसे आगे कामयाबी मिलेगी, ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका, आपके चैनल का, और पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची की तमाम आवाम को मैं मुबारकबाद भी दे रहा हूँ और शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि कल बहुत बड़ी तादाद में कराची के बाशऊर शहरियों ने इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हुए बड़ी तादाद में एक कौमी असम्बली की सीट जो आमिर लियाकत के इंतकाल पर खाली हुई थी और उस पर हमने वाज़े अक्सरियत से जीता है। अब आपका सवाल है कि जीतने के बाद इस्तीफ़े की तरफ क्यों जा रहे हैं। देखिए अभी तक तो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है, लेकिन चूँकि जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है वो हालात ऐसा पैदा कर रही है। जैसे खान साहब कल वो स्पीच कर रहे थे और जैसे हमारी विनिंग पोजीशन बन गई, हमने वोट ज़्यादा लिए, तो रात एफआईआर कट रही है खान साहब के ऊपर, पुलिस चढ़ाई कर रही है बनी काला के ऊपर। अब इमरान खान साहब की तकारीर को नशर करने पे पाबंदी लगा दी लाइव, तो ये काबिल मजम्मत है, ये कैसे हो सकता है और क्यों? क्या खान साहब कोई दहशतगर्द है? क्या उन्होंने कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है? उन्होंने एक आम आवाम को, एक आम आदमी को शऊर दिया, बताया कि इस आपकी वोट की ताकत क्या है, मुल्क के मसाइल क्या है। वो लोग जो पहले अदाद शुमार नहीं रखते थे मुल्क में मईशत के हवाले से, आज हर आदमी जो है वो मईशत का दानिश्वर बना हुआ है। उसकी बुनियादी वजह इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को अवेयर किया है, सोशल मीडिया उसमें बहुत अहम किरदार था आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आज दौर बहुत डिजिटल है और आप किसी के मुंह पे हाथ नहीं रख सकते। आवाम ने अपना फैसला दे दिया इमरान खान के हक़ में। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं, पंजाब से लेकर कराची तक, आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और रहेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे लोग हम पे तनकीद कर रहे होंगे कि यार मईशत ये वो, तो जो हमें विरसे में चीज़ें मिली थी उस टाइम पर, उसके बावजूद हमने बहुत संभाला दिया। हमारे पहले 2 साल कोविड का शिकार रहे, पूरी दुनिया में जो है एक बहरान था, लेकिन पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया ने तारीफ़ की थी। तमाम जो बड़े बड़े इदारे हैं जो बिज़नेस को और मीशत को देखते हैं, उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तारीफ़ की थी। और जिस तरीके से हमने उस मुश्किल दौर में इस मुल्क को संभाला था, पेट्रोल और दीगर चीज़ों के प्राइस को कंट्रोल किया था और अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमारी सबसे बड़ा जो हमारे पास वो एक बयानिया था, एक हमारी पॉलिसी थी, वो थी खुद मुख्तार पाकिस्तान, खुद मुख्तार मईशत पॉलिसी हो। हम अगर अमेरिका या दीगर ममालिक के साथ हमारी दोस्ती हो तो उसमें पाकिस्तान के मफादात सबसे मुकदम हो, उसके बाद हम दीगर चीज़ों को देखें। लेकिन आज जो हुकूमत आज है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका ने इन 3 जमातों को इकट्ठा किया और बाकी कुछ जो नादीदा क़ुव्वतें हैं, उन्होंने वो छोटी जमातों को इकट्ठा किया। समझते हैं कि अमेरिका ने जमा किया इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें आप उनकी पॉलिसीज देखें, उनके बयानात देखें, बिगर कैन नॉट चूजर, तो इसका मतलब क्या है? नहीं तो सरबुलंद भाई, होना तो ये चाहिए ना कि जब अमेरिका के सफीर आते हैं उनके सामने ये बात रखी जाए, उसका इजहार किया जाए, ना कि माफी तलाफी की जाए। अब ये तो देखिए जी अमेरिकन लोगों को सोशल मीडिया का दौर है, तो ये मामला लोगों के, ये आपकी बात बड़ी बहुत जबरदस्त है। मैं देखिए, हमारा बिल्कुल अमेरिकनों से कोई जंग नहीं है, ठीक है। हम जो अच्छे हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, बिल्कुल हम करना चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी नहीं करना चाह रहे। वो जब हम रूस से कोई चीज ले रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में है, मुल्क की मईशत के मुफाद में, तो अमेरिका को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इंडियन वज़ीर ख़ारजा के बयान और एक दो तीन ममालिक और हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा के बयानात हमने लाहौर के जलसे में हमने लोगों को बता दिया, दिखा दिया कि वो कहते हैं इस चीज़ में हम खुद मुख्तार हैं, हम अपनी मईशत के फैसले खुद करेंगे। अमेरिका यूरोपीय कंट्रीज़ रूस से ले रहे हैं गैस, तेल और दीगर चीज़ें, गंदम ले रहे, हमें क्यों इजाज़त नहीं है? यही सारा मसला है जिस पर हम आवाम समझ चुकी है कि पाकिस्तान के मुफादात एक ऐसी क़यादत के ऊपर डिपेंड करती है इस वक्त जो जानतदार, खुददार, गैरत और पाकिस्तानी कौम की आवाज़, वो इमरान खान। ठीक है, चले इस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, साथ ही और जो दीगर मामलात हैं, कौमी सतह के मामलात हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी ज़मीनी इंतखाब के हवाले से अभी जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, महमूद मौलवी साहब ने। तो ये बात हो रही थी कुछ देर पहले कि ये अवामी रद्द अमल है जो सामने आया है। हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, गुफ्तगू कर रहे थे इस मामले पर। सैयद अमान अली शाह, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप फरमाइए कि ये आवाम का फ़ैसला है, आने वाले वक्त के लिए ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो, मुल्क की मईशत बेहतर हो, ये सारी चीज़ें जो गरीब आवाम के पहुंच से दूर है वो दोबारा गरीब आवाम की दस्तरस में आ जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक बात का इजाफा करना चाहूँगा, सियासत होती आ रही है, 75 साल हो गए हमारे मुल्क के, सियासत होती आ रही है, लेकिन गरीब आदमी के मसाइल हल नहीं हो रहे, गरीब आदमी के पेट में खाना नहीं पहुंच रहा। 75 साल में आप किसी को दो वक्त की रोटी नहीं दे पाए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सियासी पार्टियां, जो भी सियासी पार्टियां हमारी पाक फौज के ऊपर बात करती है, न्यूट्रल्स के ऊपर बात करती है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब 1965 की जंग में यही पाक फौज अपनी जानों का नजराना पेश कर रही थी, तो उनका कोई अपनी जाती मफाद तो नहीं था, ना एक कारोबारी लड़ाई थी, ना पाक फौज की कोई जाती जमीन किसी ने कब्जा की थी। पाक फौज इसी कौम और इसी मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही थी। और आप तारीख उठाकर देख लो, जितनी कुर्बानियां हमारी पाक फौज ने दी है, किसी सियासी पार्टी ने, किसी मुल्क की फौज ने अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी है। आप जाकर देख ले, आज भी बलूचिस्तान के अंदर हर रोज हमारे पाक फौज के नौजवान शहीद होते हैं। कल भी एक ट्रैफिक हादसे के अंदर हमारे 9 पाक फौज के नौजवान शहीद हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिस्टम निकाला गया है हमारी पाक फौज के खिलाफ, आवाम का एतमाद उनसे हटाया जा रहा है, तो ये चोरी करने का, डकैती करने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि आप घर के लोगों से उनके चौकीदार को ही मुखालिफ कर दो और आप घर के लोगों का एतमाद अपने चौकीदार से ही हटा दो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस घर को लूटना, उस घर को बर्बाद करना कितना आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हमारी आवाम को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये जो वक्ती जो एक प्रोपेगेंडा किया गया हमारी पाक फौज के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ जो बात की जाती है, ये सरासर नाजायज़ है। हमारी पाक फौज, हमारी आवाम बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और इंशाअल्लाह जब भी पाकिस्तान कुर्बानी मांगेगा, जब भी हमारी पाक फौज हमसे कुर्बानी मांगेगी हम इंशाअल्लाह अपनी जानों का नजराना इस मुल्क के लिए पेश करेंगे। सियासत ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाएं, सियासत ये है कि आप खिदमत के अंदर सबकत ले जाएं और पार्टियों के लिए एक मिसाल कायम करें। जैसा आप देख रहे हैं, इस बात के ऊपर शर्म आती है हमें कि हम अपने ऐसे मुल्क के बारे में बात करते हैं। आप इंडिया ले लें, उसमें आप देख लें एक आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी है जो जहाँ भी जाती है, जिस शहर की भी उनके पास हुकूमत आती है, वो वहाँ के अवाम के लिए बिजली फ्री कर रहे हैं, वो वहाँ के अवाम के लिए एजुकेशन फ्री कर रहे हैं। तो हम खुद सोचें कि हमारे मुल्क का क्या हाल है। सरकारी स्कूलों का आप हाल देख लें, सरकारी हॉस्पिटल का आप हाल देख लें। तो इस हालात में अगर हम ये फैसला नहीं कर पाते कि मुल्क को कौम के लिए कौन बेहतर है और जज्बाती फैसले करें, अपनी पसंद नापसंद को देखें, तो ये बहुत बड़े नुकसान की बात है और पाकिस्तान इस चीज़ों का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम पूरी कौम को इसके ऊपर सोचना चाहिए और हम पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम अपनी माजी की गलतियों से क्या सीखते हैं और आने वाले वक्त में हम क्या फैसला करते हैं। खान साहब, हम बिल्कुल मानते हैं कि उन्होंने इस मुल्क और इस कौम के लिए कुर्बानी दी होगी, लेकिन हम देखें कि जो अवाम है उनके अगर मसाइल हल हुए तो बिल्कुल जी खान साहब पर हम भी एतमाद करते हैं। लेकिन खान साहब के आने की वजह से हमारे अगर गरीब आदमी को रोटी मिल रही है तो आप बताएं, मेडिसन गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है और बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेड हुकूमत की भी बहुत बड़ी गलतियां हैं, लेकिन खान साहब और पीटीआई की गलतियां भी उसके पीछे नहीं छुप सकती। जी सरबुलंद भाई, ये फरमाइए कि अब ये एक बड़ा हसास मौजू बन चुका है, ये जो बात इन्होंने की है, ये जो रियासत मुखालिफ जो नारा लगाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जैसा भी उन्होंने कहा कि अगर डिलीवरी होती, अगर आवाम के अंदर जाते, आवाम के मसाइल हल करते, तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। इसको किस तरह दिफा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार किया जा रहा है कि ये जो तरीका और जो रवैया और जो रविश जिसको अख्तियार किया गया है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसका दिफा कैसे करेंगे? देखिए, हम तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमारे सरों के ताज है और हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बेहतरीन फ़ौज हमारी है और सबसे बड़ा उसमें जो एक अहम एक हमारा ईमान है शहादत के ऊपर, अपने मुल्क के लिए, हमारा इस्लाम, हमारा दीन ही हमें सिखाता है। तो इसमें तो कोई दोराई नहीं है कि फ़ौज हमारे सरों के ताज भी है, फ़ौज पर हमें फ़ख्र भी है। लेकिन कुछ मरहले ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पर कोई गिले शिकवे होते हैं, कोई ऐसे मामलात होते हैं जिस पर हम उसका इजहार, हमने पाकिस्तानी ये कल्चर रह चुके। आप नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर उठा लें, आप ख्वाजा आसिफ की उठा लें, आप नून लीग के तमाम जितने भी लोग हैं उनका, जरदारी साहब ने तो खुलेआम धमकियाँ दी थी फ़ौज को कि आप 3 साल के लिए आ रहे हैं, हम तो हमेशा के लिए हैं। उस वक़्त फ़ौज का कोई रिएक्शन, रियासत का कोई रिएक्शन नहीं होता। हम सिर्फ मुतालबा करते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाएँ। हमें रात के अंधेरे में इन्होंने शब खून मारा है अवामी मैंडेट के ऊपर। हमें रात के 12 बजे अदालत लगा के हमें हटाया गया। हमारा कसूर था क्या था? और दूसरी बात यह है कि हम ये समझते थे उस दौर, मुश्किल दौर में, ऐसे पीटीआई वर्कर, ऐसे आम पाकिस्तानी, मैं सफ़र कर रहा था। हमारी खान साहब के साथ, हमारी जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनके साथ हमारी बारहा गुफ्तगू होती थी और हम मुश्किल सूरत हाल में थे। लेकिन इमरान खान के जाने के बाद क्या वो हालात बेहतर हुए? जो चीज़ 300 पे थी वो 600 पे चली गई, जो पेट्रोल 150 पे था वो 250 250 पे भी चला गया। अब वो सारी चीज़ें तो ट्रिपल हो गई। और आपके हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो हमारे जो वजीर खारजा साहब वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। वजीर आजम साहब जो है वो जा के लोगों को कहते हैं हम, मैं कोई भीख मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं, मुझे पैसे दे दे। ये बयानात किसी रियासत, किसी ऐसे मुल्क के लिए, और ये हम नहीं कहते, इंटरनेशनल मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स देख लें, वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त जो हुकूमत है, इमरान खान को हटा के अमेरिका ने ये सारा काम किया। वो खुद, उनके जो तजिया निगार मीडिया, बड़े बड़े जो एंकर हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमने ये काम किया। तो हमने ये काम, इसका मतलब है कि वो खुद इस बात का इदराक, और पूरी दुनिया जानती है। रूस के कई मीडिया चैनल्स के ऊपर कई टॉक शोज़ के ऊपर ये बात हो चुकी है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद रखी हुई है। रूस से भी वो कारोबार कर रहे हैं, चाइना से भी कर रहे हैं। हालिया दिनों में चाइना के साथ उन्होंने तकरीबन कोई 70-75 बिलियन कदर कितने जो आदाद शुमार में थोड़ा 19-20 हो सकती है, उन्होंने कोयला ख़रीदा है और उसके पैसे भी चाइनीज़ पैसे में दिए, रुपये भी, जो पैसे जो रकम होती थी। और पाकिस्तान अगर कोई भी चीज़ खरीदता हो कहते हैं डॉलर में खरीदेंगे। क्यों? हमारी अपनी मीशत के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा है, उससे आम आदमी मुतासर हो रहा है। IMF इस वक्त हमें इस तरह इन्होंने झगड़ा हुआ है कि भाई आप कोई सांस भी लेंगे तो हमसे पूछ के लेंगे, बिजली के प्राइस हमसे पूछ के आप बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वजीर दिफा जो अपने दाखिला जो है वो उनका क्लियर स्टेटमेंट है कि हमें टिकनी का नाच नचा के IMF ने हमारे पैसे नहीं दे रहे। मजबूरी के साथ किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि चीफ आर्मी स्टाफ किसी मुल्क के सरबराह के साथ रब्ता करते या उनके जो भी वजीर खारजा वगैरह जो भी उनके जो इस एशिया के लिए उन्होंने जो नुमाइंदा बनाया हुआ है उनसे रब्ता करके 1.2 मिलियन पैसे के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये रियासत की कमज़ोरी की अलामत होती जो हम नहीं चाहते। फ़ौज हमारा सबसे मुकदम इदारा है और फ़ौज हमेशा साथ खड़ी होती, आगे नहीं होती, साथ खड़ी होती। जमहूरी मुल्क है, ये हमारे वोटों से आती है और ये हम सब ने बनाया। इस मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है, लाखों लोगों ने शहादतें पेश करने के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उसके बाद अगर हमने दो कौमी नज़रिए पे इस मुल्क का हासिल किया है तो इसका मतलब यही था कि हम अपनी मुसलमानों की आज़ाद रियासत चाहते थे। आज भी हम सॉरी अमेरिकन और जो जिसे कहते हैं कि हम एक बैरूनी एजेंडे पे चल रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ साथ हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो इन तमाम फैसलों के लिए तगड़ा हो, वो बात करे तो वो बात जो है वो अपने मुल्क की मईशत, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम और उस मुल्क के लिए बेहतर हो। आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमें बहुत बड़े मेजर और बहुत मुश्किल फैसले करने ताकि हम अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अब मैं ये बात तो इस शो के अंदर कहना भी ज़रूरी, कोई मायूसी वाला अंसर मैं नहीं उजागर करना चाह रहा। इस आने वाले साल में फिर हमें IMF की ज़रूरत पड़ेगी बजट के लिए, तो क्यों हम उस तरफ जा रहे हैं? ठीक, हम भले हमारा अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा, जब अमेरिका हमारा साथ देता है तो ड्रोन हमले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सरबुलंद भाई सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें जिसका भी आपने तस्करा किया है कि ये आपके दौर में होती रही हैं, अब इसको कैसे नज़रअंदाज किया जाए? दूसरी बात यह, अभी आपने जिन चीज़ों का तस्करा किया खारजा पॉलिसी के हवाले से, खारजा पॉलिसी के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सके और यही कुछ होता रहा जो इस वक्त हो रहा है। सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है, फिर ये दावा कैसे किया जा सकता है कि हम हकीकी आज़ादी हासिल कर लेंगे? यासिर भाई 3 साल मिले और इस सारे मामले में हमें अपोजिशन की भी ज़रूरत है कि वो हमें सपोर्ट करें कि यार ये जो इंटरनल जो मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, हम पे 100 तनकीद, हमारी 100 कोताहियाँ, कमियाँ हो सकती है, लेकिन जब हम खुदमुख्तारी की बात करते हैं, हम जब ग़ुलामी से निकलने की बात करते हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी और अपनी मईशत के हवाले से आज़ाद पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं, उसमें उनको सबको हमारा साथ इसलिए देना चाहिए कि मुल्क के मुफाद में। लेकिन अपोजिशन को तो किसी भी मरहले पर ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया। यहाँ पर तो गिला यही है, बार बार इस चीज़ की निशानदेही करते रहे कि जो आम कौमी मामलात हैं उसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी होता है। Exactly. लेकिन सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ थी, जेलों में लोगों को डाला जा रहा था, लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर निकल रहे थे, उनको असम्बली में पेश करते थे, फिर जेल में डाल दिया जाता था। अगर ये रविश माजी में नहीं तब्दील की गई, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद करते हैं? क्योंकि अभी तो सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात इसलिए की है कि एंकर हजरात जो है इस बात को ज़्यादा उजागर नहीं करते। मैं बता रहा हूँ ना, हमने हर एक उस मामले के ऊपर हमने कमेटी भी बनाई और अपोजिशन लोगों को मदू भी किया, लेकिन जिन पर केसेस हैं नेब के, इखलाकी तौर पे जवाज़ नहीं बनता कि जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको हम कैसे शामिल कर सकते हैं। वो कहते हैं जब तक आप नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जब तक आप जरदारी के केस ख़त्म नहीं करेंगे, हम आपके साथ मिसाक़ जमहूरियत करना चाहते हैं, आप भूल जाएँ जो केसेज़ हैं। ये हुकूमत जब आई यासिर भाई, इन्होंने 4 कानून अभी तक पास किए हैं या उससे ज़्यादा हो गए, लेकिन शुरू के पहले असम्बली सेशन में नेब के इख्तियारात कम किए। 49,49,49,099 रुपए का अगर आप कोई चोरी करता है, कोई भी करता है, उस पर केस नहीं बनेगा। इन्होंने EVM जो मशीन थी, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी इलेक्शन के लिए, वो उन्होंने ख़त्म किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट ख़त्म कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तानी मईशत में इस वक्त रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है भी। रेमिटेंसेस आते हैं, पैसे आते हैं, उससे डॉलर के पैसे को थोड़ा हिट हो जाता है उससे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे जो फॉरनर है, हमारे पास जो बैरूनी मुल्क हमारे जो भाई काम करते हैं, पैसे भेजते हैं, उनकी बड़ी अहमियत है हमारे। हम चाहते हैं पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करें, पैसे भेजें ताकि हमारा रुपए की कदर जो है उसमें इजाफा होता रहे। तो हम तो पहले दिन से इनके जितने भी पार्लिमानी जो लीडरान हम उनको बुलाते हैं, लेकिन उनका मुतालबा क्या होता है बिहाइंड द सीन या कहीं महफिल में या इनडायरेक्ट डायरेक्ट या मुख्तदर हलकों को शामिल करके वो ये बात हमें बार बार बावर कराना चाहते हैं कि आप केसेस को ख़त्म करें। तो हम क्यों केसेस को ख़त्म करें? जो आवाम का पैसा है, अगर आपने चोरी की है, अगर आपने चोरी किया है तो आप उसका सामना करें। अगर आपने चोरी नहीं किया है तो आप डर किस बात का है? आप कोर्ट की सामना करें। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैं वाजे बता रहा हूँ कि इनके ऊपर केसेस हमने नहीं बनाए, इनके सारे केसेस एक दूसरे पे बने हुए हैं। और ये सारे लोग एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले, पेट फाड़ने वाले, इनके पैसे लेकर खजाने में जमा करने के इन सारी जमातों के दावे थे। इमरान खान के खिलाफ कल के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार इनके हक में बिठाया, एमक्यूएम के JUI ने बिठाया, ANP ने बिठाया, सारे उम्मीदवारों का मुश्तरका उम्मीदवार था MQM का मुईद अनवर साहब। लेकिन महमूद मौलवी साहब को जो वोट पड़ा है वो इसी बात का पड़ा है कि ये सारी जमातें आज तक 30 सालों से कराची और पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। मुझे अभी आते हुए आधा घंटा का रास्ता डेढ़ घंटे में या सवा घंटे में मुझे तय करना पड़ा है। ट्रैफिक सुबह 8 बजे इतना रश होगा तो आप समझे इतना मुश्किलात का सामना होगा, तो फिर सेकंड टाइम में क्या होगा? आज भी पानी खड़ा है, आज भी कराची और सिंध के खासकर मैं बात करूंगा, सिंध में तमाम इजला के अंदर आज भी खंडरात बन गए हैं, सड़कें चलने के काबिल नहीं, कचरे के ढेर बन गए, पानी के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारे पास नहीं। एनर्जी के सोर्सेज क्या है? हम बड़ी बड़ी माजत के साथ हमारे पास एक मोबाइल तो छोड़ एक पेन बनाने तक की हमारे पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अपनी सलाहियत नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। एक हमारे पास चीज़ है वो है कपड़ा जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास है कुछ नहीं। हम सबसे पहले हमें एज ए कौम 4 चीज़ें हमने करनी है। हमने एक आम आदमी को पढ़ाना लिखाना, उसको पढ़ाना है, उसको हमने तालीम देनी है आम बंदे को। हमारा लिटरेसी रेट क्या है? हमारा 1% भी मेरे ख्याल में हमारा तालीमी बजट नहीं है, जबकि हमारा जो दिफाई बजट है वो 50% है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जब बेहतर होगा तो हमारे जो सर्कल है, पैसा है, जो मईशत है, उसमें बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। इसलिए इमरान खान ने यूथ के लिए पैसे दिए, इसलिए इमरान खान ने बेरोज़गारी अलाउंस दिया, इसलिए एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को बग़ैर किसी सिफारिश के, किसी PTA वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, एक आपने SMS करना था, वो सारी चीज़ें आपकी दहलीज से पहुँचने दी। तो ये हमारा हमारे जो पॉलिसी थी, मैनिफेस्टो था, हमारा जो बयानिया है, हमारी जो पॉलिसीज़ है वो यही है कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना, आदमी को एम्पावर करना, तालीम, सेहत और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उनके दहलीज पर पहुँचानी चाहिए। ठीक है जी। सरबुलंद खान साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में हिस्सा। मैंने अमान अली शाह साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त दिया और बात की अपनी अपनी पार्टी की, यहाँ पे तर्जुमानी की, और ये वो मसाइल हैं जो आवाम के सामने, और बहरहाल फैसला जो है वो आवाम का ही होना है। तो ये वक्त की ज़रूरत भी है, और जिन चीज़ों की भी निशानदेही हुई है इसको जहन में रखना ज़रूरी है। मसाइल क्योंकि बहुत सारे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आगे गुफ्तगू करते रहेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमारा सेगमेंट है वो अपने अख्ताम को पहुँचा, दूसरा जो आपका हमारा सेगमेंट है सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।